हेलो दोस्तों, सलाम नमस्कार, क्या हाल दोस्तों। दुनिया में आए हो तो काम करो यार। हो ऑब्वियसली यार, दुनिया में अगर जीना है तो खाना पानी कपड़ा घर इन सब की ज़रूरत होती है, और ये सब आता है पैसों से, और पैसे आते हैं काम करने से। वैसे देखें तो हम सभी पैसों के लिए ही काम करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे काम भी हैं जिसे आप अपने सपनों में भी नहीं करना चाहोगे। हाँ जी दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी नौकरियां हैं जिन्हें लोग चंद पैसों के लिए करते तो हैं, लेकिन यकीन मानिए ये नौकरियां आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो में आने वाला है काफी मजा, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। नंबर वन, क्रिस टेडिमर स्टैचू। दोस्तों, ब्राजील के लियार्डो गैनोरियो में बने इस स्टैचू के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इस स्टैचू की सालाना सफाई होती है, और जो वर्कर्स इस स्टैचू को साफ करते हैं, यकीन मानिए कि वो अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करते हैं, क्योंकि ये स्टैचू इतना बड़ा है कि इस स्टैचू से समूचे शहर दिखता है, और अगर कोई यहाँ से नीचे गिरा तो वो सीधा ऊपर चला जाएगा। क्योंकि देखिए ना कि किस तरह से एक रस्सी के सहारे ये लोग इस स्टैचू को साफ कर रहे हैं, जिसके बदले उन्हें ज्यादा पैसे भी नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि क्या आप ये काम करना चाहोगे, वैसे ना ही करो तो अच्छा है। नंबर टू, क्रोकोडाइल लैंगनर्स। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये दुनिया है जहाँ ऐसी भी नौकरियाँ हैं जहाँ आपको क्रोकोडाइल को पानी में से पकड़ना होता है। दोस्तों, वैसे इस काम में पैसे तो खास मिलते हैं, लेकिन भाई उन पैसों का करोगे क्या जब आपकी जान ही नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, पानी में जाकर मगरमच्छ को पकड़ना ये वाकई में काफी खतरनाक काम है। भाई मगरमच्छ की खतरनाक जबड़ों से कौन बच पाता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में करीब 9 से 10 लोगों की मौत सिर्फ इसी वजह से होती है। ये लोग जाते तो मगरमच्छ को पकड़ने हैं, लेकिन मगरमच्छ इन्हें पकड़ लेता है। नंबर थ्री, टावर क्लाइंबर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में अगर हमारे फ़ोन में नेटवर्क ना आए तो हम गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग तो सिम कंपनी वालों को गाली भी देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते कि जिन लोगों पे इस चीज़ की जिम्मेदारी होती है उन पर क्या बीतती है। फिर नेटवर्क को सही करने के लिए इनको 100-100 मीटर की लंबी टावरों पर चढ़कर काम करना होता है, और थोड़ी सी गलती इन लोगों की जान ले सकती है। वैसे तो इनकी सेफ्टी की पूरी ध्यान रखी जाती है, लेकिन इस काम के लिए अच्छी किस्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि हर साल लगभग 100 लोगों की मौत टावर से गिरने की वजह से होती है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक और जॉब के बारे में। नंबर फोर, स्नेक फार्मिंग। दोस्तों, चाइना। अब चाइना का नाम तो आपके दिमाग में अजब गजब चीज़ों के लिए बैठा होगा। ऐसे में एक और जॉब के बारे में जानिए जिसे स्नेक फार्मिंग कहते हैं। वैसे हम लोग अपना जीवन खूबसूरत कलियों के बीच में बिताते हैं, वहीं कुछ लोगों को पूरी जिंदगी सांपों के साथ रहना पड़ता है। अब देखिए ना कि किस तरीके से इन सांपों की बड़े पैमाने पर देखभाल की जाती है। देखिए ना कि किस तरीके से इन्हें बैग से निकालकर वापस बिल में भी रखना होता है। वैसे इस जॉब को सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ना जाने कहां से कौन सा सांप आप पर हमला कर दे। चाइना में करीब हर साल 70 लोग इस नौकरी में मरते हैं। वैसे ये नौकरी आग में पेट्रोल छिड़कने जैसी ही है। नंबर फाइव, स्काई स्क्रैपर क्लीनर। दोस्तों, हम तो अपनी घर की खिड़कियों को खुद से साफ कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतों का क्या? तो दोस्तों, बिल्डिंग्स की खिड़कियों को सफाई के लिए होते हैं स्काई स्क्रैपर क्लीनर्स, जो कि बिल्डिंग की खिड़कियों को ऊपर से लेकर के नीचे तक साफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ऊंचाई पर चढ़कर कोई काम करना कितना खतरनाक है, जहां एक छोटी सी गलती भी आपकी जान ले सकती है। वैसे इस जॉब में काम करने वाले करीब 30% लोग ऊंचाई से गिरकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।